खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना देवेंद्र कादियान सभी साथियों से एक अपील करने के लिए मैंने ये लाइव फेसबुक किया है। अभी कुछ लोगों ने ये अफवाहें स्टार्ट की है, जैसे जैसे हमारी बीजेपी की लिस्ट आई है, उन्होंने हमारे ऑफिस के बोर्ड जो हमने आचार संहिता की वजह से बदल दिए थे, क्योंकि आचार संहिता में हम कोई आप जानते हैं बहुत अच्छे से, उन लोगों ने उन बोर्ड का उनका सहारा लेके उनकी आड़ में और ये एक मेरे को एक बदनाम करने की कोशिश करी है कि भाई उसने बीजेपी पार्टी का सब झंडा बैनर अपने ऑफिस से उतार दिया है और गन्नौर की लिस्ट अनाउंस नहीं हुई है। इस तरीके से उन लोगों ने अभी प्रचार किया है, जो हमारी पार्टी के खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों से आपको सचेत रहना है और ख़ासकर देवा टीम से मेरी अपील है, लोगों को अच्छे से समझाएं कि हमारा देवेंद्र भाई कमल के फूल के साथ है, बीजेपी पार्टी के साथ है और हमेशा रहेगा। पार्टी जो भी फैसला ले, लेकिन देवेंद्र भाई कमल के फूल के साथ है। और जो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाओ कि बोर्ड किस वजह से उतारे हैं। बोर्ड हमने कल उतार दिए थे, कोई बोर्ड हमने आज नहीं उतारे। बोर्ड हमारे बल्कि परसों की रात को चेंज हो गए थे। बार बार SDM साहब आ रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये बोर्ड उतारो, आचार संहिता लगी हुई है और इसकी आड़ में ये गंदा खेल सामने वाली पार्टी के लोग खेल रहे हैं। आपको घर घर जाके और लोगों को अपने व्हाट्सएप मैसेज से ये फैलाना है ये बात को, कि हमारे देवेंद्र भाई आज भी पार्टी के साथ हैं। और अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ, मुख्यमंत्री जी से अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। और ये जो प्रचार अभी फेसबुक पे ये लाइव आने का मेरा सिर्फ मकसद इतना ही है, आप तुरंत इस बात में लग जाएं, लोगों को ये समझाएं। अभी कई जगह से मेरे पास फ़ोन आए कि भाई साहब आपने बोर्ड उतार दिए हैं, क्या आप ये कोई फैसला लेने वाले हो? तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों का, गंदे लोगों का काम है जो लोग राजनीति में अच्छी सोच रखते हैं, उन जिनकी मानसिकता सीमित है। आपको इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने साथ है और बहुत सारे हजारों हजार लोगों की दुआ अपने साथ है, अपना कोई बुरा होने वाला नहीं है इन बातों से। और हमारे लिए सर्वोपरि कमल का फूल का निशान है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, जिनकी चेहरे के पीछे हम खड़े हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फेस चेहरे के पीछे खड़े हैं। आपको इन चीज़ों से कोई घबराने की जरूरत नहीं है और ना ऐसी लोगों के बहकाव में आने की जरूरत है। और ख़ासकर हमारे देहात में हमारे बुजुर्ग बेचारे, जिनको इतनी पता नहीं चलता, आज कनेक्ट इनको फ़ोन का नहीं पता और वो दुष्प्रचार वहाँ जाके उनके लोग करते हैं कि जी आज हम गन्नौर से आए, उसने सारे बोर्ड उतार दिए, अपना ऑफिस का ये चेंज कर दिया, अपना ऑफिस का वो चेंज कर दिया। तो उनको समझाइए कि ये खाली दुष्प्रचार।